तो हेलो दोस्तों, क्या चाल मैच का एक न्यू एडिशन वापिस। अब यार देखो, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, क्या क्या कुछ मत देखो, तुम बस ये अपडेट को देखो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी खेलने की भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन खेलना तो पड़ रहा है। क्योंकि भाई देखो, इस मोड का भी अपन मतलब अनरिंग नहीं, कभी अपन बिना मोड के इरेंगल खेलेंगे ना, तो भाई उसमें रिकॉल का ऑप्शन नहीं आता। और तुम्हें बताए मेरे मतलब भाई देखो, टीममेट तो भाई रिकॉल मांगते हैं, अब तुम्हें पता होगा, तो भाई उनको रिकॉल कैसे करोगे। इसलिए भाई इवेंट वाला तो खेलना ही पड़ेगा। और कभी ऐसा नहीं होता ना कि भाई रिकॉल का ऑप्शन रेंगड वाले में इरेंगल बिना इवेंट वाले में होता ना रिकॉल का ऑप्शन, तो भाई मैं वही खेलता इस मोड से अच्छा। क्योंकि भाई इसमें सबसे पहली बात तो साले मोबाइल लेग होता है, और दूसरी बात भाई खेलने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि भाई ऐसे अपडेट मुझसे नहीं बनते भाई खेलने के, क्योंकि ऐसे अपडेट भाई बहुत पहले पबजी वाले दे चुके थे, जब भाई कम से कम 4-5 साल पहले, क्या पता 30 साल पहले या इससे पहले, मुझे नहीं पता, या इससे बाद में। लेकिन इस अपडेट में खेल चुका हूँ पबजी में बहुत पहले ही, तो खेलने की इच्छा सी भी नहीं हो रही, लेकिन खेलना तो पड़ेगा। अभी देखो अपन गेम प्ले की बात करते हैं। सामने बंदे थे, नेट कुक करता हूँ, एक को नेट से नॉक करता हूँ, एक को विजन से, दोनों की बेटी बन जाती है, तो दोनों को फिनिश भी कर देता हूँ। अब दोनों को जैसे फिनिश करता हूँ ना भाई, मैं हीलिंग कर रहा था इनसे लूट लाट के, तभी एक डुओ मेरे ऊपर रश कर देता है। और ये डुओ का मैच है, क्योंकि भाई स्क्वाड में लेग कर रहा था गेम, तो मैंने डुओ खेला था पहले ही दिन। अभी देखो सामने से वो बंदे आ रहे थे, तो मैं नेट करके फेंका, अब इससे ना एक की हेल्थ गई। और भाई ये सेकंड वाला बंदा मुझे मार देता, लेकिन भाई मैंने जो नेट फेंका था ना, उससे इसकी आधी HP कम हो गई, शायद आधी से ज़्यादा ही, इसलिए भाई ये ज़्यादा गोली में नहीं, कम गोली में नॉक हुआ था। तो अब क्या था, अब और बंदे फैलने थे, तो मैं क्या करता हूँ नेट फेंकता हूँ, क्योंकि इधर पर एक बंदा था, और ये बंदे ने भाई मुझे इतना भगाया ना, 5 से 4 मिनट की मैंने वीडियो क्रॉप करी है। ये बंदा इतना भगने के बाद इधर छुप के आता है, तो मैं इसको जल्दी पेलता हूँ। मैंने सोचा इसको पेलो सबसे पहले, तो इसको भगाओ, फिर मैंने इसको पेला। अब इधर पे देखो यार, कोई बंदा बच नहीं रहा था, और मैंने क्या करा, मैंने सोचा यार ये मॉन्स्टर मार लेता हूँ, और मैंने अपने फ़ोन की कर दी वॉल्यूम कम, क्योंकि भाई देखो इसको मारने में ना बहुत ज़्यादा एमो खर्च होती है, तो लगातार गोलियों की कान में आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लगती है, तो मैंने जो आवाज़ कम कर दी और मैं इसको मार रहा। अब मेरा मोबाइल हुआ लेग हल्का सा, और मैं समझ गया आसपास बंदे हैं, लेकिन मैंने सोचा इतने सी करा दो, कौन है बंदा ना, मारो तुम दो, मैं पेल रहा था मजे में। लेकिन भाई कोई UMP पेल देता है, और ये बंदे वही थे जिनको मैंने अभी 1v2 किया था, ये मेरे मजे लेने लग गए थे मेरे को उठा के, तुम खुद देखो, ये देखो उठा के मेरे मजे लेने लग गए थे। लेकिन मैं इनके पास वापस आने नहीं वाला था, क्योंकि भाई मेरा प्लान ही नहीं बना वहाँ से, मेरा प्लान दूर बना था, तो मैं वहाँ पे गया जहाँ पे 2 नंबर की पेटी बनी थी, उनको मतलब 2 नंबर जो है ये रेंडम है, इसकी पेटी 2 बंदों ने बना रखी थी, और वो इसी पे थे, और तो मैं इसी पे कूद गया। अब मैं सोच लिया था कि भाई इनको पेट इनको लूट के ना इनसे लूट लूँगा, क्योंकि इनने फ्लेयर ड्रॉप भी बुला रखा था। अभी देखो ये बंदे दे रहे थे, अब ये बंदे ना कैंप पर थे, ठीक है, और 2 नंबर को भी शायद इनने कैंप करके ही मारा था, तुम खुद देखो। मैं इधर पे आया, ये बंदे इधर नहीं थे, ये बीच साइड में थे। अब ये दोनों बंदे कैंप मार रहे हैं, मैं समझ गया मेरी पेटी लगने वाली है, लेकिन तभी एक बोट आया, और मैं समझ गया अब इनके लगेंगे। देखो अब मैंने सोचा कि भाई ये बोट मतलब बोट को ये जैसे ही मारेंगे ना, तुरंत भक्त को नोक दे आऊँगा, और बस इनकी फाइट होती है। मैं जाता हूँ भगते, और भाई डैमेज दिया था यार, नोक ही नहीं हो पाता, वो भग जाता है। अब मैं वापस से आता हूँ इनको देखने के लिए, चल क्या रहा है अंदर, और ये देख रहे हो तो मतलब भैया बहुत सही, विक्टर भैया दीवार के कोने में छुप के बैठे हैं एक नंबर। मैंने सोचा कि क्या करूं, तभी ना भाई मेरे को एक ट्रिक सी दिखी कि भाई देखो मैं इस बाउंड्री के पास जाके ना अटक सकता हूं, मतलब इस बाउंड्री पे मैं बैठ सकता हूं, और भाई फिर मैं फ्लैंक कर दूंगा लेफ्ट साइड से। लेकिन भाई मेरा कैरेक्टर बार बार कूद रहा था, और तभी इनका कुछ हुआ इनको, तो और एक बंदा नीचे कूदा, मैंने इसको नोक दिया। अब नोक देने के बाद ना दूसरा बंदा था इनका, उसको भी मैं आसानी से पेल देता हूँ। और भाई कैंप पर लोग मैंने देखा है भाई क्राउचन शूट करके पेलते रहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों भाई वो उठते भी नहीं है, क्राउच क्राउच करके फ्री फायर देते रहते हैं, बस ऐसा ही मैंने देखा है ज़्यादातर कैंपरों को। अभी देखो मैं इनका ड्रॉप लूटने आया था, और मेरे ऊपर 2 बंदों ने रश कर दिया। अब देखो यार एक बंदा बग्गी लेके इस साइड आया था, मतलब ये देखो ये जो मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा है ये था एक बंदा, और एक और जो बंदा था ना वो भाई इधर ही से ही मेरे को इसका वो आ रहा था मतलब गन फायर। अब मुझे नहीं पता मेरा हेडफोन इस समय प्रॉब्लम था या कुछ था ग्लिचेस, लेकिन ना भाई मेरे को दोनों का साउंड उधर ही से आ रहा था कि भाई एक और बंदा जो है कहीं से आया है, लेकिन
ये बंदा इधर ही था, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, ये राइट साइड से फ्लिंग करके आया होगा, लेकिन मैं पिट गया था उधर पे। अभी देखो मैं इधर पे आता हूँ, और हाँ ये वाला मैच दूसरा है, मतलब पुराना है थोड़ा को, और भाई ये वाला इवेंट थोड़ा अच्छा भी था, मैं तुम्हें सही बताऊँ तो क्या कद्दू का अपडेट दिया है। अभी देखो मैं इधर पे गन लूट रहा था, तभी मेरी पिंग चली गई। अब मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने सोचा एरोप्लेन मोड करके, मतलब एरोप्लेन को बंद करके चालू कर दो तो पिंग आ जाती है मेरी, तो मैंने कर दिया। अब भैया पिंग तो आ गई, लेकिन मेरी पेटी फालतू में बन गई। अब वो बंदे ने मेरी कब पेटी बना दी मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मेरे टीममेट्स उसको पेल देते हैं, वहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही किल मिला था। लेकिन फिर मैं वापस इधर आता हूँ, और जब तक मैं आता हूँ जब तक मेरे टीममेट सब की पेटी बना चुके थे। अब ये सब रेंडम ही थी या एक आधी मेरा टीममेट होगा इसमें। अभी देखो मैं इस बंदे से ग्रोजर लेता हूँ और फिर हम रेस्ट कर देते हैं। अब देखो सामने कार थी, तो मैं अपने टीममेट से बोलता था घुसा दो, लेकिन भाई मेरे टीममेट की पिंग ही नहीं आ रही, वो इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर जा रहा, कहीं जा ही नहीं रहा, वो बस इधर ही गोल गोल घुमाया जा रहा। मैंने बोला तेल लेने गया टीममेट, मैं तो भागूं यहाँ से, मैंने देखा ये कर क्या रहा है, मैं इसको बचा देता पहले, लेकिन जैसे ही नीचे कूदा तो मैं भाग गया, क्योंकि वो कवर में था। तो मैं उड़ के आया इधर पे और एक बंदा दिखता है। अब दो बंदे ही थे ये, वैसे मेरे को लग रहा है पूरी स्क्वाड है, लेकिन एक मेरा टीममेट नॉक कर देता है, एक मैं नॉक कर देता हूँ, तो मैं जाए मतलब क्या था उनको फिनिश करके लूटते हैं। अब देखो इधर पे ना हम जा रहे थे सीधा, और मतलब इवेंट साइड जा रहे थे हम, और तभी पीछे से एक स्क्वाड आती है, मेरा कुछ कोई बोलता है ठीक है, और मैं तो भाग गया उड़ के, लेकिन मेरे टीममेट वहीं के वहीं नॉक हो गए, और मैं उतरा तभी। और भाई इन दो ही को समझ में नहीं आया कि मुझे बंदा आया कहाँ से, क्योंकि भाई वो दोनों रिलोड कर रहे थे, मैं नीचे से कूद के मैंने दोनों को पेल दिया, क्योंकि भाई ग्रोजर की रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखो हम इधर पे देख रहे थे कि भैया साउंड तो मतलब हल्का सा फ़ोन तो लेग हुआ है, मतलब बंदे आने वाले हैं, और मैं इधर से देखता हूँ कि चल क्या रहा है, और देखो तुम क्या होता है। अब यार देखो इधर पे मेरा टीममेट बच सकता था, क्योंकि हाँ बच तो सकता था, क्योंकि भाई देखो मैं कवर में ही था, उस बंदे को मेरी लोकेशन नहीं पता थी, क्योंकि मैं गन चेंज करके ना उस बंदे को पेल देता तो सही रहता, मैंने जो है अपनी गन लोड कर ली, वरना तो मेरा टीममेट बच जाता। वैसे तो सभी बच गए, क्योंकि भाई रिकॉल हो गए थे लग रहा मेरे को, हाँ ऐसा ही कुछ है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखो हम दूसरी स्क्वाड से फाइट लेते हैं, और तभी मेरे को एक बंदे का सर दिखता है सामने वाले घर पे, तो मैं इसको नोक देता हूँ जल्दी से। अब मेरी बान हाउस के नीचे ना मेरा बान हाउस नहीं था, ये पबजी वालों का था, लेकिन इसके नीचे बंदा था, और मैं उड़ के इधर आया। अब मुझे पता थी ये मोली उधर पे नहीं जाएगी, लेकिन ये बंदे उस जगह पे हो गए जहाँ पे मैं इनको गन से नोक दे सकता था, तो मैंने मोली जल्दी से फेंकी, फिर गन से नोक किया, तीसरा बंदा मेरा टीममेट नोक कर देता है, और ये तीनों मतलब तीनों के तीनों नोक हो चुके थे। अब इनका जो आखिरी बंदा था वो बान हाउस में था, तो मैं उधर पर रश करता हूँ डायरेक्ट ये बीन लगाने के बाद। और भाई ये जो मैंने तीसरे लेआउट में अपना कंट्रोल कर रखा है ना, इसकी वजह से ना भाई मैं अच्छे से खेल भी नहीं पा रहा हूँ, क्या पता क्यों। देखो अभी मैं जो बीन लगाता हूँ, और मेरा टीममेट वहाँ पे मार्क लगाते हैं कि एक वो आई है क्या बोलते हैं कैप्सूल, और हम फायरिंग करते हैं। अब ये बंदा ना भाई पेड़ के पीछे छुप जाता है, और इस बंदे के पास स्नाइपर थी, अब मेरी यार की सेंसेस ज़्यादा है, तो मैं उसको हेड मार देता हूँ एक, लेकिन मेरा टीममेट उसको बॉडी से नॉक कर देता है। अब जैसे उसने नॉक किया ना भाई, हम रश करने वाले थे, लेकिन तभी ना मेरा टीममेट कामयाबी मारता है, तो मेरे को भी याद आती है, और तभी मैं एक और नॉक देता हूँ, तो उधर पे एक और टीममेट आया था उसका। अब तभी राइट साइड से मतलब जो राइट थी ना राइट साइड, उधर पे एक स्क्वाड आ जाती है, और वो मेरे टीममेट को नॉक करती है। अब बस इधर से ध्यान से देखना, देखो तुम खुद देखो, मैं रिवाइव दे रहा था आराम से, और तभी मेरे को बंदा दिखता है ठीक है। अब मैं इसको तो नोक कर देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट वापस से नोक हो जाता है, तो मैं अंदर घुसता हूँ। अब बंदा है ना बाउंड्री के पास था, तो मैंने ये अपनी हेल्थ वेल्थ लगाई, अब मेरे टीममेट को मुझे नो मतलब रिवाइव तो दे रहा था, क्योंकि मैं अच्छे से अब जगह पे था, तो मैं रिवाइव दे रहा था। अब मैंने क्या करा, मैंने तुम खुद देखो, मैंने रिवाइव दिया और मैंने मोली निकाली, और मैंने मोली बिल्कुल सही जगह फेंकी थी, लेकिन वो इधर ही फेंका गई, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि क्या पता क्या हुआ था, तुम खुद देखो एक बार, मैंने स्लो मोशन में भी कर रखा था इसको, मैंने मोली बिल्कुल सही जगह फेंकी, लेकिन क्या पता भैया वो सही जगह फेंका ही नहीं, क्या पता क्या हो गया था मोली को,
या तो भाई मैंने गलत फेंकी थी, तुम खुद बताना। और भाई यही था आज की वीडियो में।